हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज हम बात करेंगे लिंकोमाइसिन इंजेक्शन के बारे में, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसका डोज होता है, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, डोज क्या, साइड इफेक्ट सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिंकोमाइसिन की। तो लिंकोमाइसिन लिंकोसामाइड क्लास का ड्रग होता है। लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है। तो इस क्लास में क्लिंडामाइसिन भी आता है, आपने अक्सर सुना होगा क्लिंडामाइसिन का क्रीम वगैरह आता है, तो सेम वैसे ये काम भी करता है। यहाँ पे बात की जाए कि ब्रांड नेम समझना जरूरी है, क्योंकि तभी आपको आसानी होगी हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो ब्रांड नेम इसका लिंकोसिन आता है और लिंकोबेस्ट, ओलिन, ये इस तरह तरह से नाम से मिल जाता है मार्केट में। होता क्या है, लिंकोमाइसिन। अगर बात की जाए इंजेक्शन की, तो उसका 2 ml का इंजेक्शन आता है, 2 ml का एम्प्यूल आता है, जिसके अंदर पर 1 ml में 2 ml का है, उसके 1 ml के अंदर 300 mg लिंकोमाइसिन होता है। अगर 2 ml डिलीवर कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो 600 mg पहुँच जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसके बात करें यूजेस की कि भाई लिंकोमाइसिन कहाँ कहाँ लगाया जाता है। तो किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कैसा भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वहाँ पर इसको लगाया जाएगा। चाहे वो किसी को टाँके लगे हों, टाँकों को सुखाना हो, या किसी को घाव हो गया, पटकी है, थोड़ी सर्जरी की है, ड्रेसिंग हुई है, तो उनको सुखाने के लिए। PID महिलाओं, PID हो जाता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, वो सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का, तब भी लगाया जा सकता है। या बोलना चाहिए कि ओटाइटिस मीडिया, कान में कई बार इन्फेक्शन होता है, कान दुखता है, कान बह रहा है, मतलब पानी निकल रहा है, पस बन रही है, तो उसमें भी लगाया जा सकता है। साथ ही थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, टॉन्सिल सूज जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से, तो वो वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। निमोनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है अक्सर कि भाई कहाँ से चलती है, कफ बनता है, बोलते हैं कि फेफड़ों में पानी भर गया, तो निमोनिया। किसी भी तरह की सूजन हो जो कि बैक्टीरिया के वायरस की, बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है बैक्टीरियल, तो उसको ठीक करने के लिए भी इसको लगाया जाता है। तो यही इसके कुछ बोलना चाहिए कि फोड़े फुंसियाँ होगा, किसी को बहुत ज़्यादा ऐसा फोड़ा बन गया बड़ा सा, तब भी इसको लगाया जाता है, वो सूख जाता है, बोलना चाहिए सुखाने वाला इंजेक्शन है। बात की जाए कि इसको यूज़ ही क्यों करते हैं, होते तो बहुत सारे इंजेक्शन है। कई बार क्या होता है कि पेनिसिलिन ग्रुप के जो भी एंटीबायोटिक्स आते हैं, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, जो भी है, तो उनका अगर रेजिस्टेंस बन जाता है, आपने दिया है, मरीज़ को आराम नहीं मिल रहा है, सूख नहीं रहा घाव, तो फिर लिंकोमाइसिन देना पड़ेगा। तो ठीक है, पेनिसिलिन की रेजिस्टेंस हो गया है, तो लिंकोमाइसिन बहुत अच्छा इफेक्ट देता है उस टाइम पे। बात करेंगे कुछ सावधानियों की, तो क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। भाई देखो, उसको एलर्जी नहीं होना चाहिए, मरीज को एलर्जी नहीं होना चाहिए लिंकोमाइसिन लगाने से पहले। उसको किडनी की, लिवर की समस्या नहीं होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को नहीं लगाया जाता, मतलब कि लैक्टेशन हो रहा है, मतलब कि बच्चे को दूध पिलाती है, उसको नहीं लगाना है। गर्भवती महिला है, प्रेगनेंसी है, तो भी नहीं लगाया जा सकता। किसी किसी को अस्थमा होता है, मतलब अस्थमा, तो उनको भी नहीं लगाया जाता, क्योंकि एलर्जी कंडीशन ही होती हैं। बात करें इसका डोज, डोज तो ठीक है, साइड इफेक्ट समझना जरूरी है। साइड इफेक्ट क्या हो सकता है कि साइड इफेक्ट इसका ये होता है कि डायरिया हो जाता है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा दस्त लगने लगते हैं, डायरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, आँतों में सूजन आ जाती है, इसको लेने के बाद आँतों में सूजन आ जाती है, पेट में दर्द होने लगता है, पेट में भारीपन सा लगने लगता है, ठीक है। तो कई बार एक इमरजेंसी कंडीशन ऐसी बन जाती है कि सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसलिए कह रहा है कि भाई एलर्जी अस्थमा की कंडीशन में तो देना ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये समस्या दे सकता है, तो सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अगर ऐसा लग रहा है तो भाई डॉक्टर को बताओ जाकर तुरंत कि भाई हमको इंजेक्शन लगाए तो ये कंडीशन हो रही है, तो डॉक्टर अगली बार यूज़ नहीं करेगा या आपको यूज़ नहीं करना अगर ऐसा कोई दिक्कत आ रही है। तो वहीं पर बात की जाए लिंकोमाइसिन जो इंजेक्शन है उसका डोज क्या रहता है। देखो भाई, इसका एक स्टैंडर्ड डोज तो है क्या है, 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। 10 mg मतलब कि अगर किसी का 60 किलो वजन है तो उसको आप 600 का पूरा पूरा एक एम्पूल लगा सकते हैं। वैसे भी वो डिपेंड करता है सीवियरिटी के ऊपर कि भाई इन्फेक्शन कितना, बीमारी कितनी बड़ी है, कितने दिन पुरानी है, सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसका IM और IV दोनों तरह से इंजेक्शन को लगाया जा सकता है, नस में भी डाल लो या कमर पर भी लगाया जा सकता है या डेल्टॉइड मसल्स में भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि 10 mg पर kg के हिसाब से लगता है। अगर बात की जाए एडल्ट्स की, तो उनको 600 mg लगाया जा सकता है। अगर नॉर्मल सा इन्फेक्शन है, 600 mg मतलब पूरा एक 2 ml का इंजेक्शन तोड़ के, एम्पूल को तोड़ के लगाया जा सकता है दिन में एक बार, 24 घंटे में एक बार। और अगर थोड़ी समस्या ज़्यादा है, ज़्यादा पक रहा है, ज़्यादा घाव है या ज़्यादा निमोनिया है, कान में ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो उसको सुबह शाम भी लगाया जा सकता है। तो लगभग 600 mg या बोलना चाहिए 2 ml का सुबह शाम भी लगाया जा सकता है, मतलब कि दिन भर में 1200 mg भी लगाया जा सकता है। वैसे मैक्सिमम इसका डोज होता है क्या, 8 ग्राम, ठीक है। तो वो बहुत रेयर कंडीशन में लगाया जाता है, 8 ग्राम तो खैर वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। अगर आदमी की जान बचाना है, तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो उसको लगाया जाएगा 8 ग्राम, मैक्सिमम डोज होता है 8 ग्राम। तो ये होता है दोस्तों क्या,
लिंकोमाइसिन का इंजेक्शन जो कि अक्सर लोग लगाते हैं और पेनिसिलिन के रेजिस्टेंस के बाद लगाया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो प्लीज़ से लाइक करें, नए हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे वीडियो और देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।